अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोजाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट के कंप्लीट एनालिसिस। मार्केट में चाहे कैसी भी तब्दीली आ रही हो, या कैपिटलाइजेशन बढ़ रही हो, मैनिपुलेशन हो रही हो, या कोई खबर उस पर असरअंदाज हो, हर चीज़ का जिक्र हम आपसे रोजाना की बुनियाद में इस वीडियो में करते हैं और साथ आपको आगाही देते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की जो डायरेक्ट इफेक्ट करती है मार्केट के ऊपर। साथ वीडियो के एंड पे जाकर के हम आपको आगाही देते हैं कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में जिनका चार्म सुनकर आप मार्केट में एंट्री ले लेते हैं, उनमें आता हुआ बूस्ट आपको मजबूर करता है कि आप उसमें एंट्री लेकर के फंस जाते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि आप उसमें से निकल नहीं पाते। तो उन एक अदद कॉइन के ऊपर भी हम एंड पे जाकर के अपनी वीडियो में रोजाना की बुनियाद पर आपसे रिव्यू शेयर करते हैं। तो दोस्तों, अब क्या होगी बीटीसी की नेक्स्ट सूरत हाल, इसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। पिछले चार सेशन से बिटकॉइन यानी कि टोटल क्रिप्टो मार्केट पहली बार इतनी बुरी स्ट्रक दिखाई दे रही है, ऐसी क्या सूरत हाल है, और हम आपके लिए एक ऐसी खबर भी लेकर आए हैं जिसके अकॉर्डिंग मार्केट में स्ट्रक हो जाने की रीज़न भी आपको किसी हद तक पता चल जाएगी। तो ये सारी बातें हम आगे चल करके आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले आपने क्या करना है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे कर दीजिएगा लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इसे कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। जल्दी से बढ़ते हैं मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल की तरफ। सो नाउ वी आर इन द मार्केट। इससे पहले कि हम क्रिप्टो की ताज़ा तरीन खबरें आपसे शेयर करें, मैं आपको बताता चलूं कि ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप और डिक्रीज ओवर द लास्ट डे एग्जैक्टली वहीं पे स्ट्रक है जहां पर पिछले तीन से चार सेशन में मुसलसल सर्कल का रहा है। कभी जो कैपिटलाइजेशन है वो 1.75 पर आ जाती है या 1.73 पर, और इस वक्त हमें उन दोनों के बीच दिखाई दे रही है। तो डिक्रीज ओवर द लास्ट नाइट की बात करें दोस्तों, तो कोई खासा डिक्रीज नहीं हो सका। अब हम कंपैरिजन करते हैं हमारी नाइट के एनालिसिस का आज की यानी कि अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल से। तो दोस्तों, बीटीसी ने ज़्यादा से ज़्यादा फिर $150 का हाई लगाया है और क्रैश जो है वो $600 का फिर से एक मरतबा रहा। ये एक नया थीम और एक नया चार्म हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इथेरियम के प्राइस की। तो दोस्तों, इथेरियम के प्राइस में $20 का फिर से इजाफा, यानी कि सर्कल इंतहाई महदूद होकर रह गया है। इस वक्त पांचवा सेशन जारी है क्रिप्टो मार्केट का और ऐसा पहले कभी भी देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों, यहाँ अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट में एंट्री ली जाए या नहीं। तो इस सूरत हाल में मैं आपको आगाही दूंगा कि पहले तो हम बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की मूवमेंट देखेंगे, किसने 12 आवर में आहर ऐसा किया क्या कि मार्केट जो है वो स्टिल स्ट्रक है, डाउन करती है फिर रिकवर करती है। तो आगे बढ़ते हैं, साथ साथ हमारे साथ रहिएगा और हर चीज़ का जो है आपको कंपैरिजन साथ साथ मिलता रहेगा। बीएनबी की प्राइस की बात कर लेते हैं तो दोस्तों, $2 की इसमें कमी हो चुकी है। आगे से देख लेते हैं XRP और टेरा लूना एग्जैक्टली सेम पोजिशन में है। XRP 77 पे ही था, वहीं पर है, लेकिन टेरा लूना क्योंकि $3 डाउन और $3 अप का खेल खेल रहा है मुसलसल, तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि टेरा लूना $3 की ट्रेड दे रहा है, जो कि मार्केट से इतनी कम प्राइस को पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ुकात। सोलाना ने इम्प्रूवमेंट की है $1.19 की, जबकि अगर हम मिडनाइट वीडियो का कंपैरिजन करें तो उस वक्त ये 79.20 सेंट तक जा चुका था, बल्कि एक टाइम आया ये 78 तक भी गया। लेकिन क्योंकि पोटेंशियल कॉइन है तो मार्केट में सबसे ज़्यादा इन्हीं के अंदर पोटेंशियल मौजूद है मार्केट से लड़ने की। दोस्तों, यहाँ पर एक नई चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि एवेक्स कॉइन, जो आप मेरे साथ अगर 2021 दिसंबर, जनवरी और फरवरी में मेरे साथ थे, या आप पुरानी वीडियो को कभी वक्त मिले आपको तो आप देखिएगा कि एवेक्स ने 3 महीने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और अब एवेक्स बगैर किसी न्यूज़ के या बगैर किसी ऐसे कोई टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई टेक्नोलॉजी में उनके मसला आ गया हो, तो एवेक्स की प्राइस में हमें कमी देखने को मिल रही है। अभी हम इसे काफ़ी देर तक नीचे आ लेने देते हैं। एवेक्स यानी कि एवलॉन्च मैं आपको इंडिकेट भी कर देता हूँ ये कहाँ पर हमने बाय करना है। इसका मैं आपको बहुत जल्द सेपरेट वीडियो बना करके दूंगा ताकि आप इस पोटेंशियल कॉइन को मिस ना कर सकें। अब बात करते हैं दोस्तों पोलकाडोट की। एग्जैक्टली मार्केट क्रैश करने के बाद भी वो 17.76 सेंट पर ही खड़ा है। अब बात करते हैं शिबा इनू की। कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही, ना क्रैश हो रहा है
और ना ही इसमें कोई बेहतरी देखने को मिल रही है। अब बढ़ते हैं जल्दी से दोस्तों कॉस्मो के प्राइस में, एज इट इज़ लाइट कॉइन की बात करते हैं। ये अगर आपको दोस्तों इस वक्त $99 या 98 पे बाय करने को मिले तो आप एंट्री ले सकते हैं, किसी भी सूरत इसे मिस ना कीजिएगा 98 पे। और ये क्योंकि 98 से 106 की ट्रेड दे रहा है, $8 एक कॉइन के पीछे आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्केट क्रैश का खदशा सर पे ज़रूर मंडलाएगा क्योंकि ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर कोई अभी जंग की सूरत हाल भी नहीं है जो मैं आपसे शेयर कर सकूं, क्योंकि जंग जो चल रही है वहाँ से अभी तक कोई अपडेट मौसूल नहीं हुई जो डायरेक्ट इसके ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती, क्योंकि जब तक खबर ही नहीं होगी तो हम आपसे इंशाल्लाह कोई गलत न्यूज़ भी शेयर नहीं करेंगे। हाँ, एक न्यूज़ हमें मौसूल हुई है यूरोप की जानिब से, वो कुछ ऐसे कॉइन्स के ऊपर पाबंदियाँ लगाने जा रहे हैं जो जिनमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो वो कौन से कॉइन्स होंगे उसके ऊपर आगे चल करके जिक्र करेंगे जब न्यूज़ का पेज हम ओपन करेंगे। लिंक की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो लिंक एज इट इज़ हमें यहीं पे देखने को मिल रहा है जहाँ पर था। BCH की बात कर लेते हैं तो दोस्तों BCH 287 और 286 के दरमियान ही स्ट्रक है। इसकी जो पिछले 15 दिनों की हाई है वो है $335। मैं समझता हूँ कि अगर BCH आपको 278 के दरमियान मार्केट में थोड़ा सा क्रैश देखने को मिलता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अलबत्ता ये टाइम भी एंट्री का है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने दिल में एक बात रखनी होगी कि आपको असाबी तौर पे दोनों चीज़ों में तैयार रहना पड़ेगा। फिर ये क्रिप्टो जो है, फिर क्योंकि मैं अपने व्यूवर्स को क्रिप्टो को लेकर के गैम्बलिंग की तरफ नहीं लेकर जाता, मेरा जो फॉलोअर्स है इंशाल्लाह ताला मैं उसको सेफ साइड में रखता हूँ ताकि उसको ये ना हो कि 6 महीने बाद क्रिप्टो से ही नफरत हो जाए, ठीक है, इस ट्रेड से ही नफरत हो जाए। जब आपका कैपिटल जाने लगता है तो दोस्तों आपको क्रिप्टो वैसे ही बुरी लगना शुरू हो जाती है और फिर आपको ये ख्याल भी आते हैं कि शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं माना की, माना 220 पे आता है, आपने ज़रूर बाय करना है, मिस मत कीजिएगा। हमारा टारगेट अभी भी अचीव होने के काफ़ी नज़दीक आ चुका है। सैंड बॉक्स में मैंने आपको 270 की एंट्री दे रखी है, 270 पे दिखाई दे तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अब बात करते हैं मोनेरो की दोस्तों, XMR की। तो XMR में रात की नस्बत $3 की कमी हुई है, इसमें आपकी एंट्री अगर ये फर्दर फौरी तौर पे क्रैश करता है तो आप इसमें 170 में एंट्री ले सकेंगे इजीली, 165 में भी। और इसका ये जो $10 का आपको बूस्ट देखने को मिल रहा है ये टेम्प्रेरी है, ये लाजम टूटेगा, थोड़ा सा वक्त लगता है दोस्तों। बाज़ूकात ऐसे होता है कि आप इतने डेस्परेट हो जाते हैं, इतने जल्दी में आ जाते हैं कि आप सोचते हैं कि यार उस्मान भाई जो टारगेट दे रहे हैं अचीव नहीं हो रहा, लेकिन आप मेरे उन फॉलोअर्स को जाकर फॉलो करें जो कमेंट सेक्शन में आकर अल्हम्दुलिल्लाह बताते हैं कि उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया और उन्होंने अर्निंग की। जब कोई शख्स ये बताता है कि मैंने एज इट इज़ आपको फॉलो किया और मैंने 60,000-40,000 अर्निंग की, तो दोस्तों उसकी रीज़न कोई जादू नहीं होता, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा होता है। पैसे किसको नहीं चाहिए, लेकिन पैसे के चक्कर में आपकी लालच, आपकी ग्रीड आपको क्रिप्टो में मरवा देती है। इसलिए मैं आपको ज़्यादातर सेफ साइड लेकर के जाता हूँ ताकि आपका जो क्रिप्टो में आने का चाम है वो लाजिम पूरा हो और आपका जो पैसा है वो भी बचा रहे। इसीलिए मैं जब आपको अंडर वैल्यू कॉइन्स और रिस्की कॉइन्स भी बताता हूँ सारों की, मैं आपको आना जाना, आने वाला वक्त, पिछला वक्त किस पे खड़ा था, कहाँ पे खड़ा था, सब बताता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सी इन्फिनिटी की, तो एग्जैक्टली वहीं पे खड़ा है, कोई इसमें प्राइस में बेहतरी देखने को नहीं मिल रही। अलबत्ता FTM में 10 सेंट की कमी वाकया हो गई है, ठीक है, FTM में 1.11 आपको देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि आपने इसे $1 या 105 पे मिस नहीं करना। देखें अब इसमें जो एंट्री शख्स लेगा, जो भी लेगा, उसके लिए मेरा एक मशवरा है कि वो ये अभी 2x का प्रॉफिट दे करके निकला है, वापस जा रहा है, तो ये एकदम से ऊपर नहीं आएगा। अच्छा, अगर आ जाता है तो ये बोनस होता है। अब मैं क्योंकि आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये ट्रेंड रिवर्सल होगा तो उसके लिए आप बेताब नहीं हो सकते, उतावले नहीं हो सकते। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, HNT की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो HNT बहुत जल्द हमारे 20 के टारगेट पर आ जाएगा और आप 20 में इसमें एंट्री ले सकते हैं। इसका ऑल टाइम हाई अभी पिछले दिनों $25 रहा है। जी कैश के हम वेट में हैं दोस्तों, जी कैश 154 से और 150 से नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। इस मार्केट में भी ये वो कॉइन है जो आपको $10 की ट्रेड दे रहा था, लेकिन ये इंतहाई रिस्की सूरत हाल है क्योंकि जी कैश का जो नॉर्मल रेट है मार्केट का वो
$15 है, $120 है, इसीलिए हमने उसी में ही एंट्री लेनी है, उससे पहले नहीं, देन अदरवाइज कोई भी जल्दबाजी आपको मरवा देगी। STX की बात करते हैं दोस्तों, तो ये रात को भी 1.26 पे था। अच्छा, अब यहाँ पर STX को जो मैंने आपको टारगेट बनाकर दिया हुआ है, उसे ज़हन में आपने रखना है कि ये भी आपको 2 से 3x का प्रॉफिट दे चुका है। ओके, सभी ने प्रॉफिट, जिन्होंने प्रॉफिट गेन किया वो मेरी वीडियो में समझ रहे हैं कि उस्मान भाई क्या हमें मैसेज दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपने 126 में एंट्री नहीं लेनी, 110 में या 105 में आपने, मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि ये एंट्री टाइमिंग होगी, और ये एकदम से 190 पे नहीं आएगा, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। 190 पे ये तब आएगा जब मार्केट में थोड़ा सा पैसा आएगा फिर, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी तेज़ हो चुकी है, और ये मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ये बहुत जल्द स्टैक्स जो कॉइन है ये टॉप 10 के अंदर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि आपने देखा होगा कि शिबा इनू टॉप 15 से निकल रहा है, काफ़ी कॉइन्स हैं जो निकल रहे हैं, और जो निकलने वाले और कॉइन हैं मुझे ऐसे लग रहा है कि डोज, ADA और XRP बहुत जल्द टॉप 5 में से एग्जिट हो जाएंगे, तो उनकी जगह नए कॉइन मार्केट में ये जब एंट्री लेंगे अपने रैंकिंग में, तो आपको जाहिर बात है कि रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों, ई कैश की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है और क्रैश होने का नाम नहीं ले रहा। अब इन सारे कॉइन्स में से आपने किस कॉइन में कैसे एंट्री लेनी है, इसकी सारी डिस्कस करेंगे हम इथीरियम और BTC के चार्ट पे जा करके। बस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथीरियम, बात कर लेते हैं हमारे आज के प्राइस की। तो दोस्तों मार्केट 39,009 पे स्ट्रक है, और हमारा जो टारगेट था वो था 38,200। तो दोस्तों इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली कि अगर आपने हमारे रात के टारगेट को फॉलो किया है तो आपने अच्छी खासी अर्निंग कर ली। तकरीबन $800 की हमारा टारगेट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुआ है इतनी बुरी मार्केट में, उनके लिए जो BTC लवर्स हैं, यानी कि हमारे टारगेट से भी मार्केट नीचे चली गई रात को, मतलब तकरीबन $520 नीचे चली गई, और एक वक्त के लिए फिर से वही फीलिंग्स आई तमाम व्यूवर्स में कि जी BTC हो गया क्रैश, बस अब ये नहीं रुकेगा। तो कई दोस्त थे ऐसे मेरे रबते में भी थे जिन्होंने BTC को सेल कर दिया, और मेरे ख्याल से अपना नुकसान किया, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि BTC जब क्रैश करता है 700-800 लो जाता है तो एकदम से $1,000 ऊपर आता है, और आपने उस वक्त अगर अपनी ट्रेड लगाई हो तो आप उसमें से निकल सकते हैं। अब हाई की बात करते हैं दोस्तों, तो हाई में भी तकरीबन $35 की कमी हुई है। पहले जो हाई था वो था 39,209 और अब है 39,168। इस बीच आपको $800-850 की ट्रेड मिली है, बड़ी हार्श थी क्योंकि मैंने आपको खुद बताते खुद ट्रेड लेने से मना कर रखा था, तो अगर आपने ट्रेड नहीं ली तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फ़िलहाल $800-850 की BTC ने मूवमेंट दिखाई, इन अ बैड सेंस इन अ गुड सेंस, दोनों सेंस में आप देखें तो अच्छा वर्क रहा। यहाँ पर हम जो कैंडल की बात करते हैं दोस्तों, तो इस वक्त हमें बुलिश कैंडल बनती दिखाई दे रही है। अब बुलिश कैंडल किसके अकॉर्डिंग, कि इसने 37,000 का लो लगाया। अब देखें मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से, ये देखें 37,000 का यहाँ पर हमें लो देखने को मिला, ठीक है, उसी की अकॉर्डिंग हमें मार्केट जो है इधर बुलिश कैंडल दिखा रही है, ये वाली कैंडल, ठीक है। अब देखा जाए तो प्राइस वहीं पे है, ठीक है, प्राइस वहीं पे खड़े हैं मार्केट के, मार्केट ने कैंडल बना दीजिए कि मार्केट तो इम्प्रूव कर गई। अब हमारे अकॉर्डिंग मार्केट ने इम्प्रूव नहीं किया, इसलिए कि हम तो इसको तकरीबन पाँचवें सेशन से, मतलब तीसरा दिन स्टार्ट हो गया है, हम इससे 39,000 पे देख रहे हैं, तो कैंडल कह रही है जी कि मार्केट रिकवर कर रही है। अब इसको अगर फॉलो करते हैं तो हमें डेफिनेटली 4 आवर की कैंडल की तरफ जाना पड़ेगा। तो दोस्तों 4 आवर की कैंडल चार्ट में मार्केट क्रैश कर रही है, वो कह रही है जी कि यहाँ पर बुलिश जो कैंडल बनी थी, जो मदर बुलिश कैंडल बनी थी, बेबी थी, बहुत छोटी कैंडल थी, बड़ी कैंडल इसे हम नहीं कह सकते, तो वो मार्केट में रिकवरी लेकर आई, 37,700-36,000 तक मार्केट चली गई, 1,300 की रिकवरी आई, तो वो कहती है जी मार्केट रिकवर हो गई है, अब क्रैश करेगी। तो अब ये क्या क्रैश करेगी, अगर हम इसकी पुरानी मिथ पकड़ते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पर अपना जो टारगेट है वो एग्जैक्टली वहीं पे सेट करेंगे, क्योंकि मार्केट का अभी तक का जो लो लगा है वो 37,735 था मेरे, जहाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने इस वक्त जो ट्रेड लेनी है वो दोबारा से 37,800 पे लेनी है। 37,800 हमारा टारगेट होगा, जबकि इससे पहले हमारा टारगेट था 38,200। तो अब क्योंकि ये बता चुकी है कि मैं यहाँ तक क्रैश कर सकती हूँ, तो हमें इसको नज़र में रखना पड़ेगा कि अगर मार्केट आपको
पाकिस्तान के 5 बजे या 6 बजे के करीब 37,800 पर दिखाई देती है, जहन में रखिएगा, तो आप एंट्री ले सकते हैं। किन कॉइन्स में, मैं बता देता हूँ, BNB, सोलाना, लूना, शिबा इनू और BCH और XMR। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि उस वक्त आपको कितने पैसे यानी कि गेन करने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये शॉर्टर ट्रेड होगी तो आपको अर्निंग करने में ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी कॉइन में $4 या $5 से ज़्यादा बिट्स नहीं मिलने वाली। और अगर आप BTC लवर हैं तो कोई बहुत ही कम लोग होते हैं जो पूरा BTC कॉइन जो बाय कर पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी क्रैश की इस वक्त हमें कैपेसिटी मार्केट में दिखाई दे रही है वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है, और इसकी स्ट्रोंगर जोन आज भी 40,500 होगी। इसके अलावा आपने कोई भी सेपरेटली अगर ट्रेड लेनी है तो आप अपनी सोच में आज़ाद हैं। मेरी ऐसी राय है कि फ़िलहाल मार्केट जो लो लगाएगी फिर से, वो 37,800 का लगा सकती है। दोस्तों, दोनों तरफ हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि कल रात से लेकर अब तक मैं आपको मुसलसल एक ही बात कह रहा हूँ कि मार्केट इज़ टोटली 50-50। आपने बहुत कम देखा होगा कि मैंने कभी आपको बार बार इसी तरह जोर दिया हो किसी भी कंडीशन में। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। व्यूअर्स, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम। हम बात करते हैं अब कि मार्केट ने हमारा टारगेट क्या अचीव किया। तो दोस्तों, हमारा टारगेट था 2520, 2520 और 2500, और मार्केट ने कल रात को 2503 का यानी कि 2503 का लो लगा दिया और हाई 2596, जबकि पहले का जो हाई था वो 2594 था, यानी कि $100 की इथेरियम ने आपको रात को जो है एक अच्छी विड्थ दी 12 आवर के कैंडल चार्ट के अकॉर्डिंग हमने जो सेट किया था। तो दोस्तों, इट्स नॉट बैड, मार्केट क्रैश नहीं हुई, लेकिन मार्केट ने अपनी विड्थ कम कर दी है। स्ट्रोंगर जोन से दोनों बाहर आ गए हैं। बिटकॉइन भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन $1,000 वो नीचे जा चुका है, और इथेरियम जो है वो इस वक्त वो अपनी स्ट्रोंगर जोन से कम्प्लीटली $165 बाहर आ चुका है, और अब वो 26 को भी क्रॉस नहीं कर रहा। आप जल्दी से बढ़ते हैं इसके कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों, इसमें भी हमें जो है इम्प्रूवमेंट की कैंडल उसी वजह से दिखाई दे रही है। वीडियो को क्योंकि शॉर्ट करते हैं, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बुलिश कैंडल हमें दिखाई दे रही है, बुलिश बेबी कैंडल, उसकी वजह यही थी कि मार्केट 2500 पे चली गई, रिकवर किया $92 का, तो वो कैंडल यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है विदाउट शेडो। अब दोस्तों, इसका शेडो क्या होगा यहाँ पर अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। तो बढ़ते हैं 4 आवर कैंडल चार्ट की तरफ। 4 आवर कैंडल चार्ट में दोस्तों, मार्केट हमें जो सजेशन दे रही है जी कि वो तो ट्रेंड रिवर्सल कर रही है। 3 कैंडल बन रही हैं। देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हैमर हेड, उसने पुश किया मार्केट को, बुलिश कैंडल बनी और फिर एक बुलिश कैंडल बन रही है। बुलिश कैंडल ये कौन सी बनेगी, इसका यहाँ पर फिलहाल अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि इसका जो फेस बन रहा है वो भी मदर बुलिश का ही बन रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारी एंट्री इथेरियम में दोस्तों अभी भी हमारा पुराना टारगेट ही होगा, क्योंकि 2500 हमने अगर मार्केट में रात को डिसाइड किया था तो उसकी कुछ ख़ास रीज़न थी कि मार्केट में हिल नहीं रही थी। तो अभी भी आप इसे 2520 और 2500 में इथेरियम में एंट्री ले सकते हैं। ले करके 12 आवर का मतलब दोस्तों, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको मार्केट 2520 पे दिखाई देती है, आपने एंट्री ले ली, अब आपने वहाँ पर सूखने नहीं पड़ जाना कि जी आप अभी ऊपर जाती है, अभी ऊपर जाती है। आपने उसके दरमियान $70 अबव का टारगेट लगा लेना है, तो आप उससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और इससे जुड़ी जो स्ट्रोंगर जोन होगी वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अभी भी इथेरियम का वापस 2650 से ऊपर जाकर अपना घर बनाना बहुत ज़रूरी होगा, और ऐसे में आपने नियर कॉइन को मिस नहीं करना। नियर कॉइन XMR और STX को भी आपने नज़र में रखना है, और जो नया कॉइन मैंने आपसे कल शेयर किया था KDA, उसे एक पल के लिए भी आपने जो है इग्नोर नहीं करना, उसकी रैंकिंग को और उसकी वर्किंग को फॉलो करते रहेगा। अब बढ़ते हैं जल्दी से आज की न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं इस खबर को, जिसका मैंने पूरा खुलासा निकाल रखा है, और आपको यहाँ पर ले जा कर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि यूरोपियन यूनियन में एक सेशन हुआ है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, और बिटकॉइन को मुखातिब किया गया है। ज़ाहिर बात है, एक एक कॉइन का नाम तो नहीं लिया जाएगा कि जी अभी भी यूरोपियन यूनियन इसके ऊपर वर्क कर रही है कि हम उन कॉइन्स को बैन करना चाहते हैं जिनमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। टेक्नोलॉजी से मुराद है कि बिजली, ठीक है, या गैस, किसी किस्म की भी टेक्नोलॉजी हो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। दोस्तों, यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि पहले ही ये बात जाहिर कर दी जा चुकी है
कि बिटकॉइन को बनाने में या इसकी माइनिंग करने में बहुत ज़्यादा अखराजात आते हैं और इसकी ट्रांसैक्शन में भी ख़र्चा कुछ छोटा मोटा नहीं है, अच्छा खासा आपकी ट्रांसैक्शन में भी पैसे कटते हैं। हाल ही में मैंने आपसे कल एक वीडियो शेयर की है कार्डेना की, KDA क्वाइन की, और उसमें एक वर्ड मैंने यूज़ किया था आपसे, अगर आपने वीडियो को फॉरवर्ड नहीं किया तो आपने सुना होगा कि 1 सेकंड में 4,80,000 ट्रांसैक्शनें होंगी, वो ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं। तो अब जो क्रिप्टो करेंसी है वो ऐड हो रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि जब बिटकॉइन आया था उस वक्त तो क्वाइन का मार्केट में आना ही एक बहुत बड़ा एक मौजदा था। उसके बाद अब जितनी भी ब्लॉकचेन आ रही हैं, ठीक है, जितनी भी ब्लॉकचेन आ रही हैं वो सारी इस चीज़ पे काम कर रही हैं कि जी हम एक नोट्स में इतनी ट्रांजैक्शन पैदा कर दें कि दुनिया हैरान रह जाए। यानी कि 8,000 ट्रांजैक्शन एक नोट्स में हो रही हैं, और एक सेकंड में कितने नोट्स होते हैं ये आप खुद गूगल करके देख सकते हैं। हम अपना यहाँ पर टाइम बचाते हैं तो वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। तो दोस्तों अब जितनी भी ब्लॉकचेन आएंगी वो अपने क्वाइंस के मुस्तकबिल को सेव करने के लिए, कि कहीं कल को गवर्नमेंट हमें इसीलिए ही डिनाई ना कर दे जी कि इनकी तो टेक्नोलॉजी बड़ी महंगी पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ हाउसिंग स्कीम की, कि लोग अक्सर पाकिस्तान में किसी भी हाउसिंग स्कीम में जाने से पहले सोचते हैं कि जी बिजली यहाँ पर कौन दे रहा है। मतलब एक तो पाकिस्तान का जनरली एक वापडा है, मतलब वापडा, लेस्को, बेस्को और KED, KEC, तरह तरह के यानी के सेक्टर्स हैं। तो जिस जिस तरह की बिजली पाकिस्तान में मैसर होती है, अब जैसे बहरिया टाउन में आप चले जाएं तो बहरिया की अपनी बिजली है, लेकिन बहरिया कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगाता है, ठीक है। वापडा की अपनी बिजली है, वापडा आपको ज़रा थोड़ी सी कम तकलीफ देता है। उसी तरह ही क्वाइंस की अपनी ट्रांसैक्शन फ़ीस होती है। तो रिसेंटली जो क्वाइन मार्केट में अभी मैं बात कर रहा था कल आपसे, तो उसने ये दावा किया है कि जी आप हमारा क्वाइन यूज़ करें, इसमें ट्रांसैक्शन करें, 10 बार खरीदें, 10 बार बेचें, आपकी फ़ीस बहुत कम खर्च होगी। रिसेंटली आप जब क्रिप्टो में शायद थे नहीं थे तो इथेरियम की फ़ीसें अचानक बढ़ गई थी, तो उस वक्त लोगों को बड़ी तकलीफें हुई जी कि वो गैस चार्जेस भरे लगा रहे हैं। फिर उसके बाद मार्केट में सोलाना को पंप मिला, इसी वजह से कि सोलाना आया कि जी हम आपको 1 मिनट में, 1 सेकंड में 3,60,000 ट्रांजैक्शन देंगे और आपकी फ़ीसें भी कम होंगी। तो लिहाजा यूरोपियन यूनियन इस पे काम कर रही है कि हम उन क्वाइंस को और उन ब्लॉकचेन को बंद करना चाहते हैं जिनमें बिजली का यूज़ ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है और फीसें इंतहाई कम। तो ये चीज़ मार्केट में जो है दोस्तों किन क्वाइंस के ऊपर पाबंदी लेकर आती है, जैसे ही हमें रिसेंट अपडेट मिलेंगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। ये बिल्कुल फ्रेश न्यूज़ थी हमारे पास, तो 2 घंटे पहले की खबर है, तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स को इन चीज़ों से आगाह करूं कि ऐसे कौन से क्वाइंस हो सकते हैं जिन पे आने वाले दिनों में पाबंदी देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आपसे सेपरेटली वीडियो भी शेयर करूंगा। अब बढ़ते हैं जल्दी से क्वाइन रिव्यू की तरफ। तो दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं KP3R क्वाइन के बारे में। इसके बारे में मैं आपको कम अज़ कम पिछले 1 माह में 6 बार रिव्यू दे चुका हूँ, और आज क्योंकि इसकी सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है और कमेंट सेक्शन भर चुका है इस बात को लेकर के उस्मान भाई अबे कम अज़ कम KP3R की जो है वो हमें फौरन जो है अपडेट देते रहें, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी दुनिया इसमें फंस चुकी है और मैं हैरान हूं कि मेरा व्यूवर्स इसमें कैसे स्ट्रक हो गया। मैंने आपको दोस्तों 3 माह पहले इसके बारे में आगाही दी थी, अब क्योंकि जो भी प्रेडिक्शंस थी इसको लेकर के वो अब मैं यहाँ पर यह भी नहीं कह सकता कि अल्लाह का शुक्र है सच हो रही है, इसलिए कि बहुत मेरा व्यूवर इस वक्त नुकसान में है। तो मुझे यहाँ पर अपनी प्रेडिक्शन सच होना कम, उसकी खुशी कम है और दुख इस बात का ज़्यादा है दोस्तों। बिलीव रखिएगा कि आपने क्यों इस कॉइन में फ्लैक्चुएशन के तौर पे हिस्सा लिया। मैं जानता हूँ मेरे कोऑर्डिनेटर के थ्रू हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत सी दुनिया ने कमेंट सेक्शन में आकर बुरा भला भी कहा कि सर आप इस कॉइन को गलत प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वक्त जब मैंने 4 माह पहले ये वीडियो आपसे शेयर की थी KP3R की, तो ये $1,150 पे खड़ा था, और आज ये देख लें आपके सामने मुसलसल क्रैश होता हुआ कहाँ पर आ चुका है। बात कर लेते हैं आज से 1 हफ्ता पहले जो मैंने रिव्यू दिया उसमें ये $410 पे वर्क कर रहा था, और मैंने आपसे कहा था कि आप बहुत जल्द इस कॉइन को 350 पे देखेंगे और 350-380 के दरमियान ये काम करेगा। ये उससे भी बुरा नीचे आ चुका है, 344 और 365 के दरमियान ट्रेड कर रहा है, 351 इसकी जो है अब तक की सूरत हाल है, और बेवजह क्रैश करता चला जा रहा है। अच्छा, न्यू एंट्री लेने वाले को मैं सख्ती से मना करूंगा कि इस क्वाइन से दूर रहें,
इट्स नॉट अ स्कैम, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये स्कैम नहीं है, मेरी इसके ऊपर सेपरेट से वीडियो मौजूद है। रिस्की कॉइन है दोस्तों, ठीक है, रिस्की कॉइन है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इस कॉइन से थोड़ा दूर रहें। और जिन्होंने भी आप इसे बाय कर रखा है, 110% मेरी उनको सजेशन है कि इसे होल्ड रखें, क्या पता कि ये फिर अपना आप दिखाए, जो ये 2 से 3 बार कल्टी मार चुका है, तो एक मरतबा फिर मारे और आप इसमें से निकल सकते हैं। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और हमारा सपोर्टिंग चैनल अल मक्का टेक बाय उस्मान हुसैन, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।